श्री गुरु ग्रंथ साहब एक कमकार सतगुर प्रसादी हसा करो तीन महला पहला लख लश्कर लख वाजे नीचे लख उठी करी सलामू लखा उपरी कुरमाई सी तेरी लख उठी राखी मन जा पति लेखे ना पवे ता सभी निराफल काम हरि के नाम बिना जगु तंदा जे बहुता समझाइए भोला भी सो अंधो अंधा। हे भाई यदि तेरी फौजें लाखों की गिनतियों में हों उनमें लाखों ही व्यक्ति बाजे बजाने वाले हों लाखों नेजों से संयुक्त हों लाखों ही व्यक्ति उठ करके नित्य तुझे सलाम करते हैं। हे भाई यदि लाखों व्यक्तियों पर तेरी हुकूमत होवे लाखों व्यक्ति उठ करके तेरी प्रतिष्ठा करते हों तो क्या हुआ। यदि तेरी ये प्रतिष्ठा परमात्मा हरि के दरबार में स्वीकृत ना हो इस प्रकार तेरे यहाँ जगत में किए गए सारे काम ही व्यर्थ हुए। परमात्मा हरि के नाम स्मरण के बिना जगत का मोह संसारिक प्राणियों के लिए उलझन ही उलझन बन जाता है। चाहे कितना ही समझाते रहो मन अंधा ही अंधा रहता है। हरि के नाम बिना जगु तंदा जे बहुता समझाइए भोला भी सो अंध होंदा। लख खटिये लख संजी ही खाजी लख आव ही लख जाहीं जा पति लेखे ना पवे ता जियां किथे फिरी पाई। लख शास्त्र समझावनी लख पंडित पड़ी पुराण जा पति लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान। सच नामी पति उपजे कर्मी नामो करतारू अहिनसी दे जेवसे नानक नदरी पारू। यदि लाखों रुपये कमाए जाएं, लाखों रुपये जोड़े जाएं, लाखों रुपये खर्च किए जाएं, लाखों रुपये आए और लाखों चले जाएं, लेकिन यदि प्रभु की दृष्टि में ये प्रतिष्ठा स्वीकार्य ना हो तो लाखों रुपये के मालिक भी भीतर से दुखी ही रहते हैं। जहाँ पति लेखे ना पवे ता जीव किथे फिरी पाए। लाखों बार शास्त्रों की व्याख्या की जाए विद्वान लोग लाखों बार पुराण पढ़ें तो भी यदि यह प्रतिष्ठा प्रभु हरि के द्वार पर स्वीकार्य ना होए तो सब पढ़ना पढ़ना बेकार है। जहाँ पति लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान। सत्य स्वरूप परमात्मा के नाम में जुड़ने से ही प्रतिष्ठा मिलती है और उसकी अपनी कृपा से करतार का ये नाम मिलता है। हे नानक यदि परमात्मा का नाम हृदय में रात दिन बसा रहे तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य संसार समुद्र का दूसरा किनारा प्राप्त कर लेता है। अहिनसी इर्दे जे वसे नानक नदरी पारू। आसा मेला पहला दीवा मेरा एको नामो दुखो विचो पाया तेलो उन्नी चाननी उन्नी सोखिया चुका जम सो मेलो लोका मत को फकड़ी पाई लख मड़िया करी एक ठे एक रत्ती ले माई। मेरे लिए परमात्मा का नाम ही दीपक है जिससे मुझे आत्मिक प्रकाश मिलता है। उस दीपक में मैंने दुख रूपी तेल को डाला उस प्रकाश से वह दुख रूपी तेल जलता जाता है तथा यमराज के साथ संबंध भी समाप्त हो जाता है। हे लोगों मेरी बात की हंसी मत उड़ाओ।
लाखों मन लकड़ी के ढेर एकत्रित करके यदि थोड़ी सी भी आग लगा करके देखें तो सब जल करके राख हो जाते हैं। जैसे अनगिनत पापों को एक हरि नाम समाप्त कर देता। लख मड़िया करी इकट्ठे एक रत्ती ले पाई, पिंडो पतली मेरी केसु करिया, सच्चो नामो कर तारू, एथे उथे आगे पाछे एहू मेरा अदारू। गंग बनारस सिफती तुम्हारी, नावे आत्म राऊ, सच्चा नाम नो ताथिए जा ऐन सी लागे पाऊ। पतलों पर पिंड भरना, दान देना मेरे लिए परमात्मा हरि का नाम ही है। मेरे लिए क्रिया भी करतार का सच्चा नाम ही है, हरि नाम ही है। ये हरि नाम लोक परलोक में सर्वत्र मेरी जिंदगी का अवलंब है। हे प्रभु, हे हरि, तेरी गुण स्तुति ही मेरे लिए गंगा काशी आदि तीर्थों का स्नान है। तेरी गुण स्तुति ही मेरे आत्मा का स्नान है। सच्चा स्नान ही तब है जब दिन रात प्रभु चरणों में प्रेम बना रहे। एथे ओथे आगे पीछे एहू मेरा अधारू, केसु क्रिया सच्चो नामो करतारू। एक लोकी होरू छमी छरी, ब्राह्मणु वट्टी पिंडो खाई, नानक पिंडो बख्शीस का कबू निखुट सी नाई। ब्राह्मण एक पिंड बना करके देवताओं को भेंट करता है और दूसरा पिंड पितरों को पिंड बनाने के बाद वह आप खाता है। पर हे नानक, ब्राह्मण के माध्यम से दिया गया पिंडदान कब तक स्थायी रह सकता है? हाँ, परमात्मा हरि की कृपा का पिंड कभी समाप्त नहीं होता।